जिला क्या नाम? अशोक गौतम, कोटा संभाग अध्यक्ष, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ से। किन मांगों को लेकर आप लगातार बने हुए हैं यहाँ पे? जी मैम, हमारी एक ही मांग है सरकार से कि हमें लगातार आपने 14 साल हमारा शोषण कर लिया है, अब हमें नियमितीकरण किया जाए ताकि हम भी हमारे परिवार के साथ दीपावली अच्छी तरीके से मना सकें। जो शोषण सरकार ने 14 साल से हमारा किया है उसमें हमारे 22 भाई तो कोरोना में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और 100 व्यक्तियों ने इस आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली है, जिससे हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि अब ये शोषण बंद करें। हमारे भाइयों की मौत का जो जिम्मेदारी लगातार आपके ऊपर है, इसको बंद करें। इस मौत के तांडव को अगर सरकार बंद नहीं करती है तो हम काली दिवाली यहीं मनाएंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। 27,000 पंचायत सहायक अपने परिवार सहित यहाँ धरने पर स्थल पर काली दीपावली मनाकर गोवर्धन पूजा करेंगे। फिर भी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो 27,000 पंचायत सहायक अपने परिवार सहित पैदल मार्च करते हुए दिल्ली का रुख करेंगे। और इस बीच में हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ा जैसे टंकी पर चढ़ना या कुछ इसी तरह का हमें करना, उसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। सरकार जल्द से जल्द इस निर्णय को हमारे इसको मानदेय को नियमित करते हुए हमें तोहफा दें, हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं। और मीडिया कर्मियों का हम सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो लगातार हमारे बीच में है और हमारी मांग को सरकार तक पहुँचा रहे हैं।